अगर आप एक स्टूडेंट हो और एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आपको मिल सकता है 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट। वो कैसे मिलेगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी इस टाइम एजुकेशन डिस्काउंट के साथ अगर आप मैक बाय करते हो तो आपको मिलेंगे एयरपॉड्स, या फिर अगर आप आईपैड बाय करते हो तो आपको मिलेगा एप्पल पेंसिल। ये ऑफ़र वैलिड है 30 सितंबर तक। एग्जाम्पली मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मैक में और करते हैं नीचे स्क्रॉल। यहाँ पे एग्जाम्पली हम ख़रीदने वाले हैं मैक मिनी। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से होगा। यहाँ पे इसका कितना प्राइस दिखा रहा है, 49,900, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस कितना है मैं आपको दिखाता हूँ। हम जाते हैं एप्पल स्टोर में कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं मैक, फिर यहाँ पर मैक मिनी, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 30 सितंबर से पहले आपको एजुकेशन डिस्काउंट के साथ 49,900 रुपीज़ का मिलेगा, साथ में आपको एयरपॉड्स मिलेंगे। अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे हमें कितना प्राइस दिखा रहा है, 59,900। अगर यहाँ पे हम बाय में क्लिक करते हैं तो हमको कितना पे करना होगा, पूरा 59,900। अगर हम इस वेरिएंट को करते हैं तो इसके लिए हमें इतना पे करना होगा, अगर हम इस वेरिएंट को लेते हैं तो इसके लिए हमें इतना पे करना होगा, लेकिन हमको एयरपॉड्स फ्री में देखने को नहीं मिलेगा। वहीं एजुकेशन डिस्काउंट के साथ हमको सेम प्रोडक्ट 49,900 रुपीज़ का मिलेगा, साथ में हमें एयरपॉड्स फ्री में मिल जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, बाय में क्लिक करते हैं और करते हैं नीचे स्क्रॉल, तो यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है सेम प्रोडक्ट 49,900, और इसका प्राइस कुछ इतना और इसका प्राइस कुछ इतना, यानी कि हमें 10,000 रुपीज़ का सेविंग हो रहा है अगर हम एजुकेशन डिस्काउंट के साथ इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो। वो कैसे लेंगे इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। मान के चलो हमें इस प्रोडक्ट को बाय करना है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं सेलेक्ट, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं और फिर से कंटिन्यू। हमें कौन सा एयरपोर्ट मिलेंगे फ्री में, सेकेंड जनरेशन एयरपोर्ट, जिसका प्राइस 12,900 रुपीज़। ये हमको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ में हमें इसका प्राइस कितना पे करना है, 49,900 रुपीज़। लेकिन अगर आप चाहते हैं एयरपॉड्स प्रो तो उसके लिए आपको 12,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे, या फिर अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे, लेकिन हमको तो यही चाहिए फ्री वाला। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड टू बैग, और फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रिव्यू बैग। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं चेकआउट में, तो हमसे यहाँ पर वेरीफिकेशन मांगेगा, वेरीफाई विथ यूनिडेज, यानी कि हमें वेरीफाई करना होगा यूनिडेज के थ्रू कि हम एक एक्चुअली स्टूडेंट है। यूनिडेज वेरीफाई कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो काफ़ी आसानी से कर सकते हो, या फिर अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले देखते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हो तो किस तरीके से यूनिडेज का अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो वेरीफाई विथ यूनिडेज नाउ, या फिर आप यहाँ पर अगर सर्च करोगे यूनिडेज, इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ट्रिपल लाइन में, और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे ज्वाइन नाउ। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर आपसे मांगेगा अपना पर्सनल ईमेल आईडी, यानी कि आपका जीमेल आईडी, बिल्कुल कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लेंगे इसको और इसे कर लेंगे कॉपी, यहाँ पर लाकर इसे कर देंगे पेस्ट, फिर यहाँ पर इसे करेंगे दोबारा पेस्ट ताकि ये हो जाए कन्फर्म। यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहे हैं, हमें यहाँ पर मैनुअली टाइप करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करना है, फिर इसी पासवर्ड को करेंगे यहाँ पर कन्फर्म, और इसके बाद इसे करेंगे एक्सेप्ट। ध्यान रहे कि आपका एज 18 प्लस होना चाहिए और आप एक कॉलेज का स्टूडेंट होना चाहिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर आप एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके लिए भी जुगाड़ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे ज्वाइन नाउ, इसके बाद यहाँ पर अपना नेम टाइप करेंगे फर्स्ट नेम, इसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम, फिर यहाँ पर जेंडर, और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे, और यहाँ पर सर्च करेंगे अपना इंस्टीट्यूट यानी कि अपना कॉलेज। सबसे पहले यहाँ पर चूज़ करेंगे अपना कंट्री, आप किस कंट्री में भी अप्लाई कर रहे हैं वो कंट्री यहाँ पर चूज़ करेंगे, और आपका कॉलेज कौन सा है, जैसे कि हमारा इंडिया है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया, अगर आप किसी अदर कंट्री से हो तो अपने कंट्री को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम अपने कॉलेज का नाम सर्च करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने से इन्फॉर्मेशन हट चुका है तो हमें इसे दोबारा फिल करना होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर सर्च करेंगे अपना स्कूल का नेम, उसके बाद आपका स्कूल यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इनमें से जो भी आपका स्कूल हो आप सेट कर लेंगे। एग्जाम्पली हम इसको सेट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं कंटिन्यू। इसके बाद आपसे यहाँ पर कहेगा अपना स्टूडेंट ईमेल एड्रेस फिल करें,
अगर आपके पास स्टूडेंट ईमेल एड्रेस है तो इसको फिल करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड ईमेल। उसके बाद आपके ईमेल आईडी में कन्फर्मेशन मेल आएगा, उसको एक्टिव करेंगे और आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन 90% केस में कॉलेज वाले स्टूडेंट ईमेल एड्रेस नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको प्रोवाइड करते हैं स्कूल आईडी। तो उसके लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे ट्राई अल्टरनेटिव मेथड, और हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके पास स्टूडेंट कार्ड, स्टूडेंट बैच या फिर एनरोलमेंट लेटर, एडमिशन लेटर, इन पांचों डॉक्यूमेंट में से आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसके थ्रू अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ज़्यादातर केस में आपके पास आईडी कार्ड या फिर एडमिशन लेटर होगा ही, तो आप उसके थ्रू वेरीफाई करवा सकते हैं। या फिर आप स्टूडेंट हो ही नहीं तो उसका भी जुगाड़ है, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो हम यहाँ पर सर्च करने वाले हैं अपलोड आईडी कार्ड, देन करेंगे नीचे स्क्रॉल और यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू। फिर हमें यहाँ पर आईडी कार्ड का फ्रंट इमेज अपलोड करना है और यहाँ पर बैक इमेज, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस में और अपने डिवाइस से इमेज को कर लेंगे सेलेक्ट। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा ऑप्शन टेक अगेन और रोटेट। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे अपना बैक फोटो, देन करेंगे नीचे स्क्रॉल और यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट। उसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो जाएगा सबमिट। यहाँ पर दिखेगा आपका आईडी वेरिफिकेशन 48 आवर के अंदर हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर केस में 1 आवर के अंदर ही हो जाता है। इसके बाद आपको वेट करना है, कन्फर्मेशन मेल आपके ईमेल आईडी में आएगा। तकरीबन 30 मिनट वेट करने के बाद यूनिडेज की तरफ से हमें कुछ इस तरीके से वेलकम का मेल आ चुका है। आपके केस में भी कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ आपका रहेगा नेम, फर्स्ट नेम रहेगा सिर्फ यहाँ पर। उसके बाद कुछ इस तरीके से ये मेल आएगा, आपका स्टूडेंट अकाउंट वेरीफाई कम्प्लीट हो चुका है। साथ में यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर भी वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं कंटिन्यू, देन यहाँ पर क्लिक करते हैं 3 लाइन में और यहाँ पर क्लिक करते हैं अकाउंट्स और यहाँ पर क्लिक करते हैं यूनिडेज आईडी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वेरीफाइड कम्प्लीट हो चुका है। आपके केस में भी कुछ इस तरीके से ही होगा और ये वैलिड है पूरे 1 ईयर के लिए, यानी कि 1 ईयर कम्प्लीट होने के बाद हमें इसे रीवेरीफाई करना होगा ताकि ये अकाउंट रिन्यू हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और हम यहाँ पर क्लिक करते हैं वेरीफाई नाउ। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ सेकंड वेट करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, कंटिन्यू एज गेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सक्सेसफुली आ चुके हैं इस पेज में, और यहाँ पर दिख रहा है प्राइस कितना 49,900। अब इसको हम चेकआउट कर सकते हैं। मैकमिनी के साथ में एयरपोर्ट्स सेकंड जनरेशन वाला फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू शिपिंग एड्रेस, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करेंगे, हमें कहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू पेमेंट, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो डेट यहाँ पर रहेगा डिलीवरी का, उस डेट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। मान के चलो कि अब आप एक स्टूडेंट नहीं हो, एक्चुअल में हमने जो अभी ये अकाउंट बनाया है इस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। एक्चुअली हम आईडी कार्ड का जुगाड़ लगाए हैं। हम उस टाइप का आईडी कार्ड बना सकते हैं जो आईडी कार्ड यहाँ पर एक्सेप्ट होते हैं, और आप भी मल्टीपल आईडी कार्ड बना सकते हो और मल्टीपल यूनिडेज का अकाउंट बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमने कंप्लीट डिकोड मेथड बनाया है। अगर आप उस मेथड को बाय करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर अगर सर्च करेंगे कुछ इस तरीके से मेरे चैनल का नेम देन एंटर, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा मेरा चैनल। यहाँ पर मिलेगा ऊपर में मेरा वेबसाइट और नीचे मेरा चैनल, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करोगे या फिर यहाँ पर क्लिक करोगे आवर मेथड्स, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेथड दिख जाएंगे। आप इसे बाय कर लोगे और आप कुछ इस तरीके से मल्टीपल जितना चाहो उतना, आप स्टूडेंट हो या ना हो, उतना यूनिडेज का वेरीफाइड अकाउंट बना सकते हैं सिर्फ जीमेल आईडी से। उसके अलावा और कुछ भी नहीं लगेगा, आप स्टूडेंट हो या ना हो यह बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। बस आपको चाहिए यूनिडेज का अकाउंट, तो आप इस मेथड को बाय कर सकते हो। इस मेथड में क्या क्या मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मिलेगा आपको 2 वीडियो, सबसे पहला वीडियो आप किस तरीके से अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हो, और सेकंड वीडियो आईडी कार्ड के ऊपर है, आप किस तरीके से आईडी कार्ड बना सकते हो जो आईडी कार्ड यहाँ पर अप्रूव होते हैं। हालांकि काफ़ी लोग अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं लेकिन वो रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो आईडी कार्ड बनाया है जिस तरीके से, वो आईडी कार्ड 100% अप्रूव होते हैं। आप इस वीडियो को देखकर मल्टीपल आईडी कार्ड बना सकते हो और मल्टीपल यूनिडेस का अकाउंट बना सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप मेथड बाय नहीं करना चाहते हो, सिर्फ आपको एक ही यूनिडेस अकाउंट का रिक्वायरमेंट है,
तो आप मुझसे अपने जीमेल पर यूनिडेज अकाउंट का स्टूडेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, वो भी बिल्कुल सेम प्राइस में। जो कोर्स का प्राइस रहेगा वो रहेगा एक आईडी का प्राइस। आपके पास दो ऑप्शन है, आप मेथड को बाय कर सकते हो या फिर आप मुझसे यूनिडेज का वेरीफाइड अकाउंट बाय कर सकते हो। एक्चुअली हम क्या करेंगे, आपके जीमेल आईडी लेंगे और आप ही के जीमेल आईडी में यूनिडेज अकाउंट का वेरीफिकेशन करवा देंगे। आप इस तरीके से अभी इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं अगर आप एक्चुअली स्टूडेंट नहीं हैं तो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना यूनिडेज का अकाउंट काफ़ी आसानी से बना सकते हो, क्योंकि आपके पास वो सारे रिसोर्स तो होंगे ही जो यहाँ पर मांगते हैं। खास करके ये उन लोगों के लिए मेथड है जो स्टूडेंट नहीं है और जिसको चाहिए डिस्काउंट, तो ये उन लोगों के लिए है। मेथड को बाय करने के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे बाय कोर्स, यहाँ पर अपना नेम एंटर करोगे, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपना स्टेट, फिर बाय नाउ में क्लिक करोगे और पेमेंट करोगे, तो आप इस मेथड का दोनों वीडियोस को वॉच कर सकते हो। या फिर अगर आप अदर कंट्री से हो, आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आप बाइनेंस के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, फिर उसके बाद आपको इस मेथड का एक्सेस मिल जाएगा। या फिर अगर आपको एक ही अकाउंट बाय करना है तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सेम प्राइस में एक यूनिडेस का अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।